Nurturing excellence. So let's start our class of Earth. Today we are going to learn about Earth, and I'm going to introduce you about our Earth. Before this, I want to tell you I have completed the classes of our universe and our solar system, and now we are starting our Earth. So it's our third lecture of our geography. So let's start our class. So here you can see our Earth that is rotating on its axis. Okay, now here we are going to know about the shape of our Earth. So you know, you have studied in your before classes that you have studied the Earth is spherical in shape. You studied that the Earth is spherical in shape, but this myth is wrong. Okay, so this myth is wrong, and now here we will study that the Earth is an oblate spheroid. The meaning of oblate spheroid is that it is wide in from equator and it is flat. It is flat from poles. Okay, now here it is almost spherical, flattened a little at the poles with a slight bulge at the center. I have told you about this, that it is almost spherical. Ye kuch kuch spherical hai, but it's not properly spherical. Matlab bilkul spherical nahi hai. It is oblate in spherical. Okay, aur kya hai, we flattened a little at the poles. Ye kya hai, thode se jo poles hai, hamara kaun sa pole hai, upar to hai north pole. North pole and south pole is ये नीचे है. तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये जो अर्थ है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट है. ओके, और यहां से क्या है, थोड़ा राउंड जाता है. ओके, नाउ ओके, नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ आवर अर्थ दैट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. सो नाउ व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. The Earth spins on its imaginary axis from west to east direction in one day. That results in caution of day and night tides. इसका मतलब क्या है, अब देखो, Earth जो है, rotation of Earth का मतलब क्या है कि Earth एक Earth spin करती है अपनी खुद की इमेज, खुद की जगह पे, एक खुद की इसने एक्सिस मान रखी है. मान लो कि इट हैज इमेजिनरी एक्सिस. ओके, और ये क्या करती है, यहां से यू रोटेट करती है फ्रॉम west to sorry it axis, earth spins on its imaginary axis from west to east. ये क्या करती है, west से east की तरफ क्या करती है, rotate करती है. और क्या कि यह rotate कर रही है, देखो दिख रहा है ना आपको. so it rotates on its axis. okay, and now result in caution of one day. और ये जो rotate कर रही है अपने axis पे, क्या ये जो rotate कर रही है अपने axis पे, इस rotation से क्या होता है, ये result करता है day and नाइट के अंदर. जो हमारा डे एंड नाइट होता है ना, वो इसी रीजन से होता है. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा. तो अपन चलते हैं अगला. सो नाउ व्हाट इज दिस. तो ये जो क्वेश्चन वापस देख लेते हैं, द डे एंड नाइट आर ड्यू टू द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. ये वही चीज है, आप इसको बिल्कुल माइंड के अंदर बिल्कुल नोट कर लो. नोटबुक में तो नोट करना ही है आपको, उसी के साथ में आप इसे अपने जो माइंड है ना उसमें भी नोट कर लो. बिकॉज जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना, तो ये यहीं से आने वाला है. क्या आने वाला है कि डे एंड नाइट आर ड्यू टू द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. कि जो डे एंड नाइट होता है ना, हमारा दिन हो जाता है, दिन रात हो जाती है, दिन हो जाता है, दिन रात हो जाती है. क्यों होता है कि जो हमारी जो अर्थ होती है ना, वो अपनी ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है. और रोटेट करने के कारण दिन और रात होता है. ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये क्लास हमारी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी. इट कैन बी पॉसिबल कि इट विल ये ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स की चल सकती है. बिकॉज 30 मिनट के आगे पर नहीं जाएंगे, बिकॉज जो तुम्हारे एग्जाम्स में आना है आरआईएमसी सैनिक और आरएमएस मिलिट्री के लिए, वो इतने ही क्लास में से बेनिफिशियल है, इतना ही बहुत है. खींचने में अगर अपन इसको लॉन्ग करना चाहें, इसको वास्ट करना चाहें, तो वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 2 आवर्स. बट हमें जरूरत नहीं है, हम इसको आधे घंटे से 40 मिनट में ही इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा. ओके, तो आपको याद क्या रखना है, डे एंड नाइट आर ड्यू टू द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. ओके, द टर्म वन डे,
The term one day is determined by the time the earth takes to rotate once on its axis and includes both daytime and night time. Okay, मतलब क्या है उसका? एक मिनट देखो, वापस बैक चलते हैं, वहां देख लेते हैं फिर से. तो क्या है कि जो एक दिन होता है ना हमारा, हम बोलते हैं क्या, वन डे मतलब एक दिन. तो एक दिन जो ये वर्ड निकला है ना, ये निकला कैसे है, ये कहां से निकला, इसका मीनिंग क्या है? तो ये क्या है कि जो अर्थ अपना रोटेशन, एक रोटेशन पूरा कर लेती है ना, देन हमारा वन डे हो जाता है. दैट इज वन डे, एंड वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, या इट्स 24 आवर्स. ओके, नाउ रेवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ. तो क्या है ये देखो आप, यू कैन सी द इमेज, आवर अर्थ इज रेवोल्यूटिंग ओके अराउंड आवर सन. ओके, दिस इज द सन एंड यू कैन सी द अर्थ रोटेटिंग. यू कैन सी अर्थ रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूट कर रहा है चारों इधर, एलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड रोटेट जो कर रहा है ये सन के. तो ये है रेवोल्यूशन. तो क्या है कि जो अर्थ मोशन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इन वन ईयर रिजल्ट इन चेंज ऑफ सीजन. तो अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो रिजल्ट, जो सीजन का चेंज होता है ना, चेंज ऑफ सीजन, क्या चेंज ऑफ सीजन ऑकर्स, चेंज ऑफ सीजन ऑकर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ अराउंड द सन. ओके, मतलब समझ गए कि जो सीजन का जो चेंज होता है ना, कि चेंज हो जाता है, कभी विंटर आ जाता है, देन विंटर के बाद में समर आ जाता है, समर के बाद में रेनी सीजन आ जाता है. तो ये सीजन का चेंज क्यों होता है? ये चेंज होता है रेवोल्यूशन के कारण, जो अर्थ रेवोल्यूट करती है सन के अराउंड, उसके कारण होता है. ओके, और आपको मैं कुछ बता दूं कि जब ये मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, ये यहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इसका अर्थ का, देन अगर जब ये वापस अपनी जगह पे आ रही है ना, तो ये इतना जल्दी नहीं हो रहा है, इट्स ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है. इसको जो रेवोल्यूशन ये ले रहा है ना, इसको रेवोल्यूशन लेने में लग जाता है कितना टाइम, 365 डेज, 365 डेज एंड 6 आवर्स ऑल्सो. ओके, दैट्स व्हाई कि जो हमारा लीप ईयर होता है, दैट इज ही 2020, 2024, ओके, एंड 2016, 2028, इसके अंदर क्या होता है, जो फैब होता है, फेब्रुवरी के अंदर 29 डेज हो जाते हैं ना, 4 साल बाद में, ये इसी कारण होता है. किसके कारण? 6 आवर्स के कारण. ठीक है, क्योंकि बिकॉज 6 + 6 + 6 + 6 makes 24 hours, जो 4 साल बाद में 24 आवर्स बनता है, और ये 24 आवर्स क्या होता है, इट मेक्स अ डे, दैट इज वन डे. तो 366 डेज हो जाता है लीप ईयर के अंदर जाके ये. ठीक है, ओके, तो 365 दिन लगते हैं अप्रोक्स अर्थ को रेवोल्यूट करने में सन के अराउंड. ओके, ये जल्दी जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगाता है जाने में. इसके कारण क्या होता है, इसमें चेंज होता है सीजन्स का. ओके, तो अपन नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है हमारी अर्थ का, स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ. तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो जो हमारा आपको दिखता है ओशियंस, माउंटेन्स, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा घर कहाँ बना हुआ है, हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा रोड कहाँ है, हमारा फार्म कहाँ है, हमारी जो क्रॉपिंग, जो एग्रीकल्चर होता है वो कहाँ होता है. तो ये का सॉरी ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे. ये क्या है जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा सरफेस है, जो हमारा हम रहते हैं ना, वो सरफेस पे ही रहते हैं. जैसे ये देखो, हमारा जो घर बना हुआ है वो यहीं पे बना हुआ है. ठीक है, हम जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, वो गाड़ी भी हम यहीं पे चलाते हैं.
ठीक है, इंसान अगर चल रहा है तो वो भी क्या यहीं पे चल रहा है। ओके, तो इसी सरफेस पे रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। अंदर तो क्या है, देखो अपर जो लेयर है ना, हम जहां रह रहे हैं उसको तो क्या बोलते हैं, वो तो क्रस्ट हो गया, ठीक है। देन जो अंदर वाला है, दिख रहा है आपको ये क्या है, क्रस्ट। इसके डीप जाओगे आप और क्रस्ट कितने में है, क्रस्ट है 8 to 40 किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है। देन मेंटल है, क्रस्ट के बाद में आ जाता है मेंटल, मेंटल के बाद में आ जाता है कोर। अब कोर को क्या किया हुआ है, कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज आउटर कोर एंड द अदर वन इज इनर कोर। ओके, तो इनर कोर है एक तो, और एक आउटर कोर है। आउटर कोर तो क्या है, जो आउटर सरफेस है ना कोर का, जो आउटर वाला है उसको तो आउटर कोर है, और जो इनर कोर है ना उसका मतलब है कि जो बिल्कुल सेंटर पे है ना, जो अर्थ में बिल्कुल सेंटर पे जो अंदर है वो है इनर कोर। ओके, तो जो ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ने की आप जरूरत नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहो तो देख लो। सियाल क्या है, SIAL, SIAL इज सिलिकल एल्यूमिनियम। ये क्या चीज है कि जो हमारा क्रस्ट है ना, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट, अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, अगर आप खोदते हो, आप डिगिंग करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, देन आपको सिलिकल और एल्यूमिनियम मिलेगी। और ये जो लेयर है ना, ये मोस्टली क्या सिलिकल और एल्यूमिनियम की बनी हुई है क्रस्ट। देन इसके बाद में आता है क्या, क्रस्ट का लोअर पार्ट। लोअर पार्ट के अंदर क्रस्ट में क्या है, SIMA, दैट इज सिलिकन और मैग्नीशियम, ठीक है। देन आता है आपका आउटर पार्ट ऑफ द कोर। तो आउटर पार्ट, कोर के आउटर पार्ट में क्या है, NIFE, दैट इज निकल एंड आयरन। तो ये Fe क्या है, तो Fe आपको मैं बता दूं, ये आयरन का क्या होता है, ये सिंबल होता है आयरन का, Fe। पढ़ा होगा ना आपने एलिमेंट्स, अगर आपने पढ़ रखे होंगे, आप एलिमेंट्स भी एक बार याद कर लेना। दैट इज अपन पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये जो हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स के नेम है ना। तो आप 1 से लेके और 20 तक कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप 1 to 20 इनको याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं एलिमेंट्स नेम, ठीक है, और इनके सिंबल्स, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 1 to 20 हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं जो, तो आप इनको याद कर लेना। ओके, नाउ एटमॉस्फियर। सो नाउ व्हाट इज एटमॉस्फियर, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एटमॉस्फियर, सो नाउ व्हाट इज एटमॉस्फियर। सो एटमॉस्फियर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फियर क्या है, एक लेयर है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें, और ये काई की बनी है, ये गैसेस की बनी हुई है। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ गैसेस दैट शेल्टर्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ। जो क्या करती है, हमें जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स रहते हैं ना, इंसेक्ट्स एंड एवरीबडी, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, उसको क्या करती है, ये एटमोसफियर की जो लेयर है, लेयर ऑफ गैसेस, क्या करती है, शेल्टर करती है। मतलब ये हमें उससे गैस, वो गैसे को क्या करती है, गैस को क्या करती है, सेफ रखती है, ये गैस लेयर की गैसेस जो। अब क्या करती है, कीपिंग टेम्परेचर विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। तो क्या है कि जो लेयर है ना गैसेस की, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रोटेक्शन लेयर है गैसेस की बनी हुई, वो क्या करती है, जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर को क्या करती है, एक तो स्मॉल रेंज में रखती है। स्मॉल रेंज मतलब कि वो इतना रखती है कि जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, और क्या करती है साथ में, वो क्या करती है, ब्लॉक करती है जो रेज आती है ना, हार्मफुल रेज को ये क्या कर देती है, हार्मफुल रेस को ये ब्लॉक कर देती है। ओके, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना, लेयर ऑफ गैसेस, ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है हमारी हार्मफुल रेस की, रेस को, सनलाइट की। ओके, नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये देखो इधर, द हाइड्रोजन इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ, फाउंड ऑन, अंडर एंड अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है, जितना भी पानी आपको दिखता है हमारे अर्थ पे, वो पूरा की पूरा पानी आप इसके अंदर को ये बोलोगे, ये हाइड्रोस्फीयर है ना, तो ये जितना भी है ना, ये पूरा हाइड्रोस्फीयर से बना है। जितना भी वाटर है, तो वो वाटर को अगर हम कंबाइन करते हैं, देन इट मेक्स द हाइड्रोस्फीयर। तो क्या है, पानी चाहे से वो हमारी नदी में हो, चाहे से वो आप वेल से निकाल रहे हो, चाहे से ट्यूबवेल से निकाल रहे हो, आप ग्लेशियर्स को ले लो, ग्लेशियर्स जब मेल्ट करती है, देन इट बिकम्स वाटर, है ना,
तो वो जो भी है ना वो सब कुछ हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। जो भी अर्थ पे जितना भी पानी है, अर्थ पे जितना भी पानी है, जितना भी जो भी ग्लेशियर्स है, वो सभी क्या हाइड्रोस्फीयर के अंदर कंसिस्ट है। ओके, दे आर कंबाइनली नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ओके, नाउ अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस एन एरिया ऑफ सम 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर्ड बाय ओशियन। तो क्या है कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, पानी से घिरा हुआ है, मतलब ये सिर्फ ओशियन से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लिथोस्फियर। सो नाउ व्हाट इज लिथोस्फियर? द लिथोस्फियर इज द रिजिड आउटर मोस्ट शेल ऑन अर्थ। रिजिड का मतलब क्या है, कठोर, क्या कठोर, हार्ड, ठीक है, सिनोनियम हार्ड हो गया। तो लिथोस्फियर क्या है, एक रिजिड लेयर है, आउटर मोस्ट शेल है अर्थ पे, इट इज कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट। ये कहां से बनी है, क्रस्ट से, और किससे बनी है ये, एंड सॉरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, दैट्स व्हाई आवाज थोड़ी सही से नहीं आ पा रही। ओके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्लास अच्छा बनाने का, ठीक है। तो इट इज कंपोज ऑफ द क्रस्ट, कहां से बनी है ये, कब बनी है, क्रस्ट से, और द पोर्शन ऑफ द मेंटल, अपर मेंटल, और जो मेंटल का अपर मेंटल है ना, जैसे मेंटल है ये, तो मेंटल का जो अपर लेयर है ना, थोड़ा सा मान लो ये पूरा मेंटल है। ओके, ये समझो आप इतना मेंटल है, ठीक है, ये लो, हाँ ये लो मेंटल है। तो इसमें क्या है, जो ये इतना पार्ट ले लो आप, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये इधर का, इधर का, इधर का, जो मान समझ लो कि ये रेडियस 6, जो भी रेडियस है। अब मान लो जो इसका आउटर मोस्ट है ना, तो वो क्या है, अपर मेंटल है, ठीक है, जो क्या बनाता है, वो बनाता है लिथोस्फियर। ओके, और क्या, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ रॉकी प्लेनेट, द क्रस्ट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिस्ट्री एंड मिनरोलॉजी। ओके, मिनरल्स के बेसिस पे इसको क्या करा है, डिफाइन किया है। नाउ नेक्स्ट बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, बायो मतलब, बायो बायो मतलब स्टडी ऑफ लिविंग, लिविंग के बारे में इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, द बायोस्फीयर विच इंक्लूड्स द ग्राउंड एंड द एयर इज कैरेक्टराइज्ड एज द रीजन ऑफ द प्लैनेट वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर कुछ भी नहीं है, बायोस्फीयर इतना है कि जो जो भी ये इंसान, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या है, दे कंसिस्ट बायोस्फियर। बायोस्फियर किसका बना है, सॉरी, बायोस्फियर कैसे बना है, बायोस्फियर बना है पूरा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो अर्थ पे है, ठीक है। तो क्या है, देखो ना आगे, द बायोस्फीयर इज डिफाइंड एज द रीजन ऑन अबोव एंड बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। वही है जहां पे लोग, जो लोग रहते हैं ना, जहां लोग रहते हैं वो क्या है, बायोस्फीयर है। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, एटमोसफियर। एटमोसफियर क्या है, द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर। क्या है, एयर का वास्ट एक्सपेंस, जो क्या करता है अर्थ को, क्या करते हैं, ये हमारी अर्थ है ये तो आपको पता है ना, सॉरी, ये क्या है हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सन है, सन से क्या आ रही है, ये रे आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब जो ये सनलाइट है ना, इसके अंदर क्या है, हार्मफुल रेज भी है, इट ऑल्सो कंटेन्स हार्मफुल रेज, साथ ही में इसमें क्या है, प्लस बेनिफिशियल रेज, ठीक है, ये दोनों आ रही है इसमें भी। तो जब तक ये क्या, ये क्या है पूरा, ये पूरा है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, जब तक ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं कर रही है, तब तक इसके अंदर रेज के अंदर, सनलाइट की रेज में एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेज भी है और बेनिफिशियल रेज भी है। बट व्हेन इट एंटर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एरिया में जब ये एंटर कर जाती है, तो उस टाइम पे ये क्या, जो हार्मफुल रेज और बेनिफिशियल रेज है,
ये फिल्टर होती रहती है, और देन लास्ट में जो हमारा सरफेस है अर्थ का, ये देखो यहाँ पे हम रहते हैं, जो दिखा रखा है ना, यहाँ पे पेड़ बना है, गाड़ी बनी है, ठीक है, ये घर बना है, तो हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ तक क्या जो बेनिफिशियल रेज है ना वही पहुंचती है। यहाँ पे कौन सी रेज मिलती है? बेनिफिशियल रेज ओनली। हार्मफुल रेज को क्या होता है, जो एटमोस्फेयर की रेज होती है ना, एटमोस्फेयर की लेयर्स, वो इसको क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है। एटमोस्फेयर लेयर्स फिल्टर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल रेज, एंड हमें सिर्फ वो बेनिफिशियल रेज को ही पहुंचाती है। ओके नाउ, अब जो एटमोस्फेयर की लेयर्स है उनको नाम दिया है, क्या नाम दिया है, एक तो नाम दिया है एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, ठीक है, पांच नाम दिए हुए हैं हमारी एटमोस्फेयर की रेज को। अब क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेज भी है, इसी में जो यूवी रेज है, क्या देखो इसमें यूवी रेज क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है यूवी रेज के बारे में, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एटमोस्फेयर की लेयर्स है ना, वही क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना हमारी सरफेस पे, उसको आने ही नहीं देती एटमोस्फेयर। क्या करती है वो, सन से साथ में जो हार्मफुल रेज आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज को, उनको फिल्टर करके भेजती है और उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर, क्या दे रखा है इसमें, एटमोस्फियर का कंपोजिशन, तो क्या है कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर, तो इसे सिर्फ तो क्या है कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर के अंदर, कि ये मान लो ये हमारा अर्थ है, एटमोस्फेयर का कंपोजिशन है, सॉरी जो कंपोजिशन है एटमोस्फेयर का, उसमें क्या है, ये क्या है, ये डायग्राम है, क्या है का कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। ओके, अब 78% तो एटमोस्फेयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, इसमें तो क्या है, नाइट्रोजन है, दैट इज N2। ओके, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। अब जो 78% से 21% जो बचा हुआ है, 21% में क्या है, ऑक्सीजन है, और देन जो 1% बच गया है ना, इस 1% के अंदर क्या है, अदर गैसेस है, जैसे कि आर्गन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसी के अंदर आपको CH4 दैट इज मीथेन भी मिल जाती है, और जितनी भी गैसेस बचती है ना वो सारी गैसेस आपको 1% के अंदर मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो बस जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा है ये डायग्राम के अंदर इतना ही था। ओके नेक्स्ट, अब क्या ले रहे हैं हम, ये लेयर्स आ गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गए, फीचर्स आ गए इनकी। इसमें क्या है, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर क्या काम करता है, तो कंटेन 75% ऑफ द गैसेस, की जो एटमोस्फियर की जो 75%, जो 100% गैस है ना, उसमें से 75% गैसेस तो क्या ट्रोपोस्फियर के पास में रहती है, और क्या होता है जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है ना, वो इसी स्पेयर में होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ओके ठीक है, अब क्या नेक्स्ट कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, देखो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि जो ये होता है ना 1850 किलोमीटर के एरिया को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और होता क्या है इसमें, सिर्फ इतना सा क्या है कि जो ओजोन लेयर होती है ना, जो क्या करती है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, फिल्टर करके भेजती है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके भेजती है, और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही ओजोन लेयर होती है, और जो एरोप्लेन फ्लाई करती है ना वो भी इसी एरिया में करती है स्ट्रेटोस्फियर में, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स एबसेंट होते हैं, क्लाउड्स आर एबसेंट ही है, बिकॉज क्लाउड्स तो कहाँ है, ट्रोपोस्फियर में हो गए, जो पूरे जो क्लाउड्स थे वो तो, क्लाउड्स तो ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्ट्रेटोस्फियर में एबसेंट होते हैं, दैट्स व्हाई एरोप्लेन फ्लाइज इन दिस एरिया, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ओके नेक्स्ट कौन सी आती है, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर की रेंज क्या है, 50 to 80 किलोमीटर। ओके अब इसमें क्या है, दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फियर, ये कोल्डेस्ट रीजन है हमारे एटमोस्फियर का, सबसे जो ठंडा रीजन है ना एटमोस्फियर का वो मेसोस्फियर ही है,
और इसका टेम्परेचर कितना रहता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, देन आता है हमारा आयोनोस्फियर। आयोनोस्फियर में क्या है, जो रेडियो वेव्स होता है ना, वो रेडियो वेव्स आर बाउंस ऑफ द आयंस एंड रिफ्लेक्ट वेव्स बैक टू द अर्थ। जो रेडियो वेव्स जाती है ना, तो रेडियो वेव्स क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करता है आयोनोस्फियर की जो लेयर है, लेयर ऑफ आयनोस्फीयर क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट करती है और फिर से बैक, ये क्या फिर से जैसे ये गई, ये आयनोस्फीयर की लेयर आ गई, देन ये फिर से यहाँ पे क्या रेडिएशन को, रेडियो वेव्स को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है हमारे सरफेस पे, और उससे क्या होता है, रेडियो वेव्स हो जाती है हमारे यहाँ पे। और देन दिस जनरली हेल्प्स रेडियो कम्युनिकेशन। और ये जो रेडियो वेव्स वापस आती है ना, तो इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, फोन्स का, टेलीफोन्स का, जो नेट इंटरनेट चलता है हमारे यहाँ पे, और जो रेडियो चलते हैं ना, रेडियो का, वो सारा रेडियो कम्युनिकेशन थ्रू होता है। ठीक है, नाउ एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर क्या है, ये इसकी रेंज क्या है, 600 किलोमीटर के अबोव है। और ये क्या है, यहाँ से क्या होता है ना कि जो एटमोसफियर होता है ना, यहाँ से फेड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एटमोसफियर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप दूर जाना स्टार्ट करते हो। और ओके, तो नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक था ये पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या कि इम्पोर्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। लेट्स हियर, वी विल प्रैक्टिस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर अर्थ। ओके, नाउ विच इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फियर। जो भी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे मोस्टली मैंने आपको लेक्चर के अंदर कवर करा दिए हैं, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे लेक्चर से, बट अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए ना, एमसीक्यू आ रहा है आपके एग्जाम में, दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल थ्रू द डिस्क्लेमर ऑफ अवर यूट्यूब फ्रॉम अवर क्लास। यू कैन गेट इन टू द डिस्क्लेमर एंड यू विल फाइंड अवर टेलीग्राम लिंक। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा ना कि वहां पे आपको कुछ लिंक मिलेगा, इसी में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दैट इज कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी यहाँ पे हमारे लिंक के अंदर, डिस्क्लेमर में जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। आई विल अश्योर यू दैट दीज टेस्ट सीरीज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चंस पे। तो विच इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोसफियर, तो कौन सा रीजन है जो सबसे ठंडा रहता है। मैं बता दूं, कोल्डेस्ट रीजन को मैंने आपको पढ़ाया था कि -100 डिग्री सेल्सियस तक का वहां पे टेम्परेचर रहता है, तो कौन सा है बताओ, कौन सा है, तो वो है मेसोस्फियर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर के अंदर, ये डायग्राम था ना, ऐसे ऐसा कुछ डायग्राम था, सॉरी ये कुछ डायग्राम था ऐसा, मैंने थोड़ा सा ये बचा हुआ था, ऐसा कुछ डायग्राम था सॉरी। ठीक है, तो इसमें तो क्या था, पूरे में यहाँ तो पूरा क्या था, नाइट्रोजन था है ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। ठीक है, ऑक्सीजन था, और जो बचा हुआ था ना यहाँ पे क्या थी, अदर गैसेस थी। मैंने आपको बताया था क्या कि नाइट्रोजन कितना कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में, 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, और अदर गैसेस का कितना कंपोजिशन है, अदर गैसेस का कंपोजिशन कितना है 1% है। तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर कंपोजिशन कितना है, 78.03%। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर में, आपको ओजोन जो लेयर होती है वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में मिलती है बताओ, मेसोस्फेयर में मिलती है, या आयनोस्फेयर में मिलती है, या स्ट्रेटोस्फेयर में, या ट्रोपोस्फेयर में। ओके, जल्दी से आंसर दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। ओजोन लेयर हमें कौन से लेयर में मिलती है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है। तो बता दूं मैं, जहां ओजोन लेयर मिलती है ना आपको, जिस लेयर में, वहीं पे क्या होता है, जो एरोप्लेन्स जो फ्लाई करती है ना, वो इसी लेयर के अंदर करती है। एरोप्लेन्स फ्लाई ऑल्सो इन दी फ्लाइज इन दिस लेयर ऑफ एटमोसफियर एंड
जो ओजोन लेयर होती है ना, प्लस ओजोन लेयर भी इसी लेयर में क्या प्रेजेंट होती है। ओके, तो कौन सी है वो बताओ यार, जल्दी बताओ यार। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर इज दैट लेयर ऑफ एटमोस्फियर इन विच वी कैन सी, जहां हम एरोप्लेन देखते हैं तो बहुत दूर होता है वो, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हमारा एरोप्लेन फ्लाई करता होता है, ठीक है, प्रॉपरली, और वहीं पे क्या होता है, ओजोन लेयर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डे एंड नाइट ऑकर्स ड्यू टू, जो डे एंड नाइट होता है ना हमारे अर्थ पे, डे एंड नाइट ऑकर्स ड्यू टू, क्वेश्चन जो पहली या सेकंड, फर्स्ट और जो सेकंड स्लाइड थी हमारी, उसी पे मैंने आपको पढ़ाया था क्या डे एंड नाइट का, क्यों क्यों होता है, बताओ क्यों होता है। ऑप्शन क्या दिया, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, 23.5 डिग्री टिल्टेशन, और नन ऑफ दीज। टिल्टेशन मतलब क्या है, कि टेढ़ा हुआ हुआ, कि आपको प्रॉपरली बताऊं तो जो अर्थ है वो क्या थोड़ी सी टिल्ट है 23.5 डिग्री पे। ओके, ये जो एंगल बनता है ना, ये कितना बनता है, 23.5 डिग्री, दैट मेक्स अवर अर्थ टिल्ट, ठीक है। अब क्या है, क्या आएगा इसमें ऑप्शन, रेवोल्यूशन की चक्कर से नहीं होता, रेवोल्यूशन के चक्कर से क्या होता है, अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के, ठीक है, मान लो ये अर्थ ये रिवॉल्व कर रही है सन के, तो इट मेक्स आवर चेंज ऑफ सीजन्स। ओके, और इसके कारण क्या होता है, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है क्या हमारा डे एंड नाइट, तो इसमें आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, तो बी आ जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ले अपर मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ के सरफेस की, मैंने आपको पढ़ाया था, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है ना, मेंटल और कोर, तो अपर मोस्ट कौन सी है इनमें से। हाँ, तो बिल्कुल सही है, द क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट फिर भी आई थिंक यू नो, यू शुड नो अबाउट द रेडियस ऑफ आवर अर्थ। तो रेडियस कितनी है अर्थ की, देखो यहाँ पे कितनी जा रही है, 63, सॉरी 6378 किलोमीटर था, ठीक है, देखो 6378 किलोमीटर हमारा क्या था, रेडियस था, ये देखो ये आउटर है, ये सरफेस है, ठीक है, जहां हम रहते हैं, देन हम जितना डीप जाते हैं उतना डीप जाने पे हमें कितना मिलता है, ये मिलता है 6378 किलोमीटर। ओके, 6378 किलोमीटर आंसर हो जाएगा सिक्स वाले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू, ये वाटर जो होता है ना हमारे अर्थ पे, तो वो किस, कौन से वर्ड से रेफर किया जाता है, क्या लिथोस्फियर या हाइड्रोस्फियर या एटमोस्फियर या बायोस्फियर, बताओ कौन से। हाँ, हाइड्रोस्फियर से, बताया था ना मैंने कि ओशियंस, रिवर्स है ना, और जितना भी क्या वाटर हमारी अर्थ पे है, वाटर जो हमारी अर्थ के अंदर है, इन आउट एंड अबोव अवर अर्थ, जितना भी पानी है वो पूरा हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर, जो प्लांट और एनिमल किंगडम है ना वो क्या बनाती है, प्लांट और एनिमल किंगडम किसमें आ गया, ऑर्गेनिजम्स में आ गया, और मैंने क्या बताया था कि जो बायोस्फीयर होता है ना उसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टूगेदर, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा बायोस्फीयर। ओके, ए, हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है वाटर का, एटमोस्फीयर में क्या होता है, 75% गैसेस होती है, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस तो आना ही नहीं ना इसमें, ठीक है। तो विच ऑफ द लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज यूजफुल फॉर टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन मतलब जो मोबाइल फोन्स और जो हम करते हैं ना, देन वो कौन सी एटमोसफेयर की लेयर है
जो हमें हेल्प करती है, तो बताओ कौन सी करती है, स्ट्रेटोस्फीयर करती है या ट्रोपोस्फीयर या आयनोस्फीयर या एग्जोस्फीयर, कौन सी लेयर है? रेडियो वेव्स को बताया था ना मैंने आपको, रेडियो टेली कम्युनिकेशन या रेडियो वेव्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो रिफ्लेक्ट करके आती है वहां से, तो कौन सी इसमें करती है बताओ। हाँ तो आ जाएगा क्या इसका, सी। ठीक है नेक्स्ट, रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर, जो रेडियो वेव्स होती है वो कौन सी लेयर से रिफ्लेक्ट करके आती है, मैंने अभी बताया आपको कौन से करके आती है, रेडियो वेव्स आर बाउंस्ड बैक फ्रॉम विच लेयर, आयनोस्फीयर। ओके रेडियो वेव्स हमारा आयनोस्फीयर से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके आती है। तो विच इज द मोस्ट अबुंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर, अबुंडेंट मतलब क्या, सबसे हाइएस्ट जो गैस आपको मिलती है हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में, तो कौन सी मिलती है? हाँ वो मिलती है नाइट्रोजन। कितनी मिलती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी मिलती है? 21%। अब जो इन दोनों का जो है ना, हाइड्रोजन और हीलियम का, ये आता है कितना है, 1% में आता है अभी। ठीक है तो मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ओके वेदर फेनोमेना लाइक क्लाउड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एक्सेट्रा आर फॉर्मड इन विच लेयर, क्या है इसमें ऑप्शन है, तो क्या जाएगा आंसर, देखो इसमें क्या दे रखा है, वेदर, जो वेदर का जो फेनोमेना होता है कौन सा, क्लाउड का, रेन का, स्नो का, स्टॉर्म का, ये कौन सी लेयर में आपको मिलता है, तो बताओ कौन सी में मिलता है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है ये कौन सी लेयर में होता है, हाँ ये ट्रोपोस्फियर में होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था ये ना, लास्ट में, सॉरी सॉरी, तो ट्रोपोस्फियर के अंदर आपको फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, जो फेनोमेना मिलता है ना, वो क्लाउड, रेन, स्नो, जो भी मिलता है ये ट्रोपोस्फीयर में होता है। ठीक है तो कमर्शियल जेट्स, जो एरोप्लेन्स होती है, जो एरोप्लेन्स होती है वो कौन सी लेयर के अंदर फ्लाई करती है, कौन से में करती है, एक्सोस्फीयर में, स्ट्रेटो में, या मेसो या थर्मो में, पढ़ाया था ना, तो हाँ इसीलिए कह रहा था कि जो पीपीटी जो आपको मिला था ना पहले जो लेक्चर, उनको बेटा अगर अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, तो देन रिवाइज दिस लेक्चर, प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर, ज्यादा बड़ा नहीं है आपको, आई थिंक 25 मिनट्स के अंदर आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा। ओके इस लेक्चर को प्लीज प्लीज यार जाके देख लो इसको एक बार। ठीक है तो क्या आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेटा तो प्लीज गो एंड रिवाइज दिस लेक्चर, इट विल बी श्योरली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके तो क्या आएगा, कमर्शियल जेट्स फ्लाई इन, कमर्शियल जेट्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर। ओके स्ट्रेटोस्फियर में तो करता है ना फ्लाई, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, अपर मोस्ट लेयर कौन सी है एटमोस्फियर की, कौन सी है अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फियर की, एग्जोस्फियर। ठीक है एग्जोस्फियर की अपर मोस्ट लेयर है, एटमोस्फियर की अपर मोस्ट लेयर है एग्जोस्फियर। ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो डी है ये। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो फिर से रिवाइज, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो रिवाइज होगा क्वेश्चंस में, क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था ना, तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया देख लो एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूट के, क्या आएगा इसमें बताओ, आपको बताओ यार, नहीं, अब तो बताना पड़ेगा, आप ही को बताना है, हाँ कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दो यार, प्लीज प्लीज इसका आंसर दो, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन करता है मोस्टली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है तो क्या जाएगा, एन टू एंड ओ टू, ऑप्शन ए। ओके सो ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। For free study material, join our Telegram channel. For more updates and continuous learning, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video. Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost.